छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, 72 सीटों के लिए वोटिंग कल। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर संग्राम जारी, 80 से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। चक्रवाती तूफान गाजा से तमिलनाडु में, अब तक 45 लोगों की मौत, 2.5 लाख लोग राहत शिविरों में। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 लाख से ज्यादा फर्जी बच्चे मिले, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच जारी टकराव खत्म करने की कवायद, आज आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक। अमेरिका के न्यूजर्सी में 16 साल के एक नाबालिग ने 61 साल के भारतीय की गोली मारकर हत्या की। अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर स्थित निरंकारी भवन पर चरमपंथी हमला, 3 हमलावरों की मौत, 19 जख्मी। और पत्रकार जमाल खाशोगी हत्याकांड से जुड़ा टेप टर्की ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ साझा किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, ये बहुत हिंसक, क्रूर और भयानक था।